नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से गुड़ में या फिर यूं कहिए गुड़ थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, उसे देखकर यह आसानी से कहा जा सकता है कि चोरों को किसी भी तरह से पुलिस प्रशासन का भय नहीं है। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं, जहां एक ओर गुड़ पुलिस की निष्क्रियता को दर्शाता है तो दूसरी ओर चोरों के बुलंद हौसले को भी जाहिर करता है। दिनांक 29 सितंबर की रात चोरों ने गुड़ नगर के वार्ड 2 एवं 3 के कई घरों को निशाना बनाया, जिसमें सत्यनारायण त्रिपाठी, अशोक मिश्रा, लल्लू, प्रियेश त्रिपाठी, विनय त्रिपाठी, शिव कुमार त्रिपाठी शामिल रहे। इनमें से पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष वंशवर्धन प्रसाद मिश्रा के ज्येष्ठ पुत्र अशोक मिश्रा, लल्लू के मकान में हुई चोरी ने गुड़ में सनसनी मचाई, जहां पर चोरों ने लंबा हाथ मारते हुए लगभग 4 से 5 लाख रुपए की चोरी को दिया अंजाम। गुड़ पुलिस द्वारा चोरों तक न पहुंच पाने अर्थात चोरी का खुलासा न कर पाने के चलते चोरों के हौसले हैं बुलंद व चोर बिना किसी भय चोरी की घटना को दे रहे अंजाम। चोरों के बेनाब होने का इंतजार कर रही गुड़ की जनता की उम्मीदें कब पूरी होंगी, यह तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं व उनका खुलासा न होने से चोर बखौफ होकर अपने मिशन को अंजाम देकर जनता के गाढ़ी कमाई से जुटाए हुए धन दौलत पर हाथ साफ करके हो रहे मालामाल। 29 सितंबर की रात हुई चोरियों में सर्वाधिक नुकसान नगर के वार्ड 2 निवासी अशोक मिश्रा, लल्लू को हुआ, जहां चोरों ने घर की अलमारी में रखे सोने का 2.5 तोला की चैन, कान का झुमका, मंगलसूत्र 2 नग, चांदी की पायल 3 नग, चांदी की सकरी वजन 1 किलोग्राम व ATM कार्ड, यस BI बैंक, चेक बुक यूनियन बैंक सहित 2,25,000 नगद किए पार। फरियादी अमित मिश्रा पुत्र अशोक मिश्रा, लल्लू द्वारा थाना गुड़ में दर्ज कराई रिपोर्ट। चोरी की सूचना पर मौका मुआयना पर पहुंची गुड़ पुलिस द्वारा किया गया घटना स्थल का निरीक्षण व शुरू की गई जांच। देखना दिलचस्प होगा, पिछली कई चोरियों का खुलासा करने में नाकाम गुड़ पुलिस इस चोरी का खुलासा कर पाती है या फिर चोर इसी तरह पुलिस की निष्क्रियता का फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम देते रहेंगे व गुड़ नगरवासी चोरों के आतंक के चलते कब तक दहशत के साए में रात गुजारते रहेंगे। देखिए हमारे संवाददाता इसराइल खान की ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं? बार दो। आपके यहाँ चोरी हुई है? जी। कैसे हुई चोरी? सर, हमारे पिता रात में हमारे पिताजी मम्मी सो रहे थे, हम भी सो रहे थे, तो चोर आए और जब निकल रहे थे चोरी करके, तो पिताजी के यहाँ चोरी देखो उसको तोड़े ऐसी लाए थे, तो हम लोग भी चोरी जैसे निकल रहे थे। निकल गए। सामान कहाँ रखा था आपका? अलमारी रखा था। अलमारी लाख थी क्या? अलमारी लाख नहीं थी। अलमारी लाख थे। क्या क्या सामान गया अलमारी से आपका? उसमें एक पेन गया था 2.5 तोले का है, और झुमका गया है 2 नग, और मंगलसूत्र गया। और मेरे रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा, काम चल रहा, तो इसमें नगद भी रखे थे और घर के भी काम चल रहा है। नगद कितना गया आपका? नगद लगभग 2 से 2.5 लाख। 2 से 2.5 लाख। थाना गोल में आपने सूचना दी? जी, गए वहाँ पे सुबह जी, यहाँ से बात गए वहाँ थाने में, तो थाने में कोई रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कर, हमने आवेदन बनाया था तो फिर तब भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे थे, कौन सी देखिए। इसके बाद फिर जो ऊपर से अधिकारियों से जो फोन ऑन करवाया हुआ है, सब लिखे रात में कि जितने अमाउंट की मेरी चोरी हुई है उतने अमाउंट दर्ज नहीं किए, जैसे इतने लिखे हैं आपसे कम लिखे हैं, 50,000 की कुछ चोरी की है, कोई 5,000 रुपये नगद लिखे हैं, और 1 तोला सोना होता है आपका 80,000, और इसमें लिखे हैं 20,000 रुपये कुल। कुल 20,000 लिखते हैं जी। कितने लाख के चोरी हुई आपके यहाँ? लगभग टोटल अमाउंट दिया गया तो 5 से 7 लाख। 5 से 7 लाख रुपए। 2.5 तोले का चैन था, 2.5 तोले का मंगलसूत्र था, और पायल वायल का भी नहीं मिली थी। चोरी की सूचना पर पुलिस आई थी क्या? जी हाँ, पुलिस वैसे ले आए थे, तो बोले कि आपके यहाँ चोरी नहीं हुई है, धमकी दे रहे थे काफ़ी, धमकी। धन्यवाद। अपना के अपनों की चोर घुसे रहे का? हाँ, का रोज भा?
परसों 29 तारीख का है ना, कुछ लाएगी का चोर? कुछ नहीं लाएगी। हाँ हाँ, हमार नाती लूठी आई रही तो कैमरा बंद कर ली। अच्छा, कैमरा बंद कर ली। देर आके अंदर चली गया तो निकल गए। निकल गए? एक पहले घुसे रहे का चोर? एक महीना पहले घुसे रहे। थाना में रिपोर्ट किए का अपना? थाना में रिपोर्ट का। कुछ पुलिस की कुछ कार्रवाई? कुछ कार्रवाई नहीं की। पुलिस आई भी नहीं, देखी भी नहीं, कार्रवाई का करी? कार्रवाई का करी। ठीक, क्या नाम है आपका? पीएस कुमार त्रिपाठी। कहाँ के निवासी है? हम वार्ड क्रमांक गुड़ तीन। आपके यहाँ चोरी हुई है? जी सर। जी, कब किस रात में हुई ये? मेरे यहाँ हुई 29 तारीख को। 29 तारीख को रात के 3-4 बजे करीब। 3-4 बजे के आस पास। 4 बजे आपको पता चला? 4 बजे हम जाने। 4 बजे क्या हुआ? सामान गया आपके? सामान के मात्र भुकुआ लगे, जो पैसा रहा है। अच्छा, कितना पैसा था? जो 1200 रहा हुआ। अच्छा, 1200। आपने थाने में सूचना दी? थाने में रिपोर्ट किया है, सेविंग लाए हैं। पुलिस आई थी क्या? आपने देखा भी है? हाँ देखे हैं, 12 बजे हम। 12 बजे 2900 तारीख का दिखे हैं। नहीं, 12 बजे कहाँ देखे हैं आप? ये हम दिखे हैं हैंडपम्प के जो कनेल के पेड़ है, राम कलेश। हाँ? घर के सामने वहाँ प्रेस मारत है। एक बार हमका दिखे तब पे हमारे कहीं निहारी, हम उनके कहीं निहार से मोबाइल से बात की तो उनका फ्लैश की लाइट उनको चेहरा पड़ रही थी, स्पष्ट दिखे चेहरा। चलिए ठीक। पुलिस आई थी क्या आपके यहाँ? हाँ पुलिस आई थी। आई थी, पुलिस ने कुछ की कार्रवाई अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई की पुलिस? हाँ हाँ। चलिए ठीक। आपके यहाँ भी चोर घुसे थे? हाँ, हमारे यहाँ 29 तारीख को घुसे थे जी, और 22 जून को भी घुसे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, 22 जून को बल्कि 840 रुपए ले गए। कल की तारीख 29 तारीख में कुछ पैसा नहीं रहा था, केवल मोबाइल का नंबर की डायरी थी। वो डायरी हमारी और गाड़ी का कागज था, उसमें आधार नंबर था, तो हमारी चिड़िया फेंक करके भाग गए। थाने में आपने सूचना दी है? थाने में सूचना दी है। पुलिस आई थी क्या? कल पुलिस आई थी 4-5 बजे। हाँ हाँ। पूछताछ की, पकड़ा, देखा, पकड़ा को बोला कि थोड़ा ऊंचा कराओ, तो हमका ठीक कराओ भाई, आश्वासन दिया कि इनके यहाँ बगल में हमारे प्रियस की यहाँ चोरी हुई है। छत में कुल्हा उल्हा ले गए तो उसको फेंके फोरे ले गए, फिर वर्धन के यहाँ चोरी लंबी की है, करीब 4-5 लाख रुपये की चोरी की गई। चलिए ठीक, धन्यवाद।